हेलो फ्रेंड्स। सो आज के इस स्पेसिफिक वीडियो ट्यूटोरियल में हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो बहुत ही हॉट टॉपिक्स के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे। वी विल जनरली बी अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन्स जो हैं वो किसी भी टास्क को इस तरीके से कर सकती हैं कि उस टास्क को हम बोल सकते हैं कि इट्स अ स्मार्ट टास्क। ठीक है, यानी अगर आपकी मशीन्स किसी भी काम को स्मार्टली हैंडल करने में कैपेबल हैं तो वी विल से देयर आर सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई अपने आप में एक सिस्टम नहीं है बल्कि ये एक सिस्टम में इंप्लीमेंट होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो स्पेसिफिक डेफिनेशन इसकी बनती है, दैट इज द स्टडी ऑफ हाउ टू ट्रेन द कंप्यूटर्स सो दैट कंप्यूटर्स कैन डू थिंग्स विच एट प्रेजेंट ह्यूमंस कैन डू बेटर। तो एक स्पेसिफिक वे में अगर हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से ट्रेन कर सकें जिससे कंप्यूटर्स कुछ चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कर सकें, कि हम ये कह सकते हैं कि अभी जनरली उसको ह्यूमंस ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और मशीन्स भी उसी तरीके या उससे बेटर वे में कर सकें, तो हम बोलेंगे दैट इज एआई। तो इस तरीके की जो स्टडी है दैट वी कॉल एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरली आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स को ट्रेन करने की स्टडी है जिसमें हम इस तरीके से कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह या ह्यूमन से बेटर वे में वर्क कर सके, राइट। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग एक एआई का ही एक करंट एप्लीकेशन है जो इस आइडिया के चारों ओर घूमता है कि हम मशीन से को कुछ स्पेसिफिक डेटा का एक्सेस देते हैं और मशीन को खुद लर्न करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरली एआई की बात करते हैं तो एआई एक ब्रॉडर टर्म है जबकि मशीन लर्निंग एक नैरोवर टर्म है। मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली ये बोलता है कि मशीन्स शुड एबल टू लर्न बाय देम। मशीन अपने आप नॉलेज गेन करें और अपने आप चीजों को सीख के अपने आप को इम्प्रोवाइज करें जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम नई नई चीजों को सीखते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और कई ऐसी चीजों को हम करने में कैपेबल होते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज कॉल्ड मोर कैपेबल देन अदर। तो मशीन लर्निंग वही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मशीन को उतना कैपेबल बनाते हैं कि वो अपने आप सीख सकें, अपने आप लर्न कर सकें। हम केवल उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे और उन डेटा के बेसिस पे वो लर्न कर सकेगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मशीन लर्निंग है वो एआई होगा लेकिन सारे एआई मशीन लर्निंग नहीं होंगे। जैसे कि हम सिंबॉलिक लॉजिक की बात करें, रूल्स इंजन्स की बात करें, एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें, नॉलेज ग्राफ्स की बात करें, ये सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं लेकिन इनमें से कोई भी मशीन लर्निंग में नहीं आता। सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम दो स्पेसिफिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अप्लाइड एआई और जनरलाइज्ड एआई। जो अप्लाइड एआई है वो बहुत कॉमन टर्म है। इसमें सिस्टम्स इंटेलिजेंट इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि वो किसी, जैसे हमने बोला कि ट्रेड स्टॉक्स, शेयर्स या कोई मैन्यूवर है और कोई ऑटोनोमस व्हीकल है, ये सब इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि वो इंटेलिजेंटली वर्क कर सकते हैं। जनरलाइज्ड एआई में वो सिस्टम्स हम बनाते हैं जो किसी भी तरीके के टास्क को कर सकते हैं। सिस्टम्स और डिवाइसेस विच कैन इन थ्योरी हैंडल एनी टास्क, जो किसी भी तरीके की टास्क को हैंडल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी बहुत अच्छी तरीके से हम काम नहीं कर पाए हैं। जबकि जो वास्तविक वर्क हो रहा है, द मोस्ट एक्साइटिंग एडवांसमेंट्स जो हो रहा है दैट इज इन दिस एरिया। और जो आपकी मशीन लर्निंग है वो भी जनरलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट्स में ही आती है। सो वी कैन से दैट मशीन लर्निंग इज द कैटेगरी ऑफ जनरलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू। की डिफरेंसेस देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या है। फर्स्ट वन, द एम इज टू इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस एंड नॉट एक्यूरेसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन एम क्या है कि हम सक्सेस को बढ़ा सकें,
एक्यूरेसी पे हम उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस बाद में आती है, यानी हम जो भी काम करें वो एक्यूरेटली होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो डिफरेंस है दैट इज एआई, इन एआई इट वर्क एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डज स्मार्ट वर्क, तो एआई जनरली एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करेगा, लेकिन हम स्पेसिफिक मशीन लर्निंग की बात करें तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें मशीन्स डेटा लेता है, मशीन्स को हम डेटा प्रोवाइड करते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली उससे लर्न करती है। तीसरा डिफरेंस, द गोल इज टू सिमुलेट नेचुरल इंटेलिजेंस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जो जनरल एआई के प्रोग्राम्स होंगे उनका गोल होगा कि वो नेचुरल इंटेलिजेंस को सिमुलेट करें जिससे वो किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व कर सकें। मीन्स वो नॉर्मली इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे कि हम जैसे ह्यूमंस करते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू सिमुलेट इट। लेकिन मशीन लर्निंग का गोल क्या है कि डेटा से लर्न करना, ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को निरंतर पढ़ाते रहना। ओके, तो दे एवरी टाइम यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग फॉर द सेम टास्क जो आप जनरलाइज्ड एआई में करेंगे। तो जनरलाइज्ड एआई एवरी टाइम विल नॉर्मली गिव सेम टाइप ऑफ रिजल्ट्स, लेकिन मशीन लर्निंग में मशीन अपने आप बढ़ाएगी, अपने आप को इम्प्रोवाइज करेगी, सीखेगी। ओके, एंड फोर्थ वन इज इट लीड्स टू डेवलप अ सिस्टम टू मिमिक ह्यूमन। जैसे अभी हमने बोला कि ह्यूमंस किस तरीके से काम करते हैं उसकी मिमिक्री करेगा, उसको मिमिक करेगा। ओके, इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, जबकि मशीन लर्निंग क्या है, वो सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स बनाएगा, अपने आप उन चीजों को अलग अलग परिस्थितियों को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप करेगा जैसे ह्यूमंस करते हैं इन एवरी सर्कमस्टांस। एंड द नेक्स्ट वन इज एआई लीड्स टू इंटेलिजेंस और विजडम। एआई जो है उसमें बेसिकली जो काम होता है वो इंटेलिजेंस या विजडम बेस्ड होता है, जबकि मशीन लर्निंग नॉलेज पे काम करती है। ओके, तो इन एक स्पेसिफिक वे में नहीं चल रहे, हम जनरली बात करेंगे कि मशीन लर्निंग में हम उस तरीके की मशीन्स को डेवलप करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होगी, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन अपने आप डेवलप करता चलेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करता चलेगा, डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिसीजन लेने में कैपेबल होगा जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं। तो दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग इज। सो गाइज, दिस इज एनफ फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें मशीन्स की में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप एल्गोस को डेवलप कर सके, अपने आप प्रोग्राम्स बना सके, अपने आप चीजों को सीखने और समझने की क्षमता डेवलप कर सके। दैट इज मशीन लर्निंग। इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वी कैन से इट्स जनरलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।